So Raju, Rajkumar Hirani. And I thought it was nice. I thought it'd be fun to play this character. It was quite interesting. It's slightly loud, a bit over the top. A pretty much unpredictable character. And I thought it would be great to play that bit. मेरा किरदार इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन हु बिलीव्स इन ऑनेस्टी हु बिलीव्स इन ब्यूटीफुल वैल्यूज ऑफ लाइफ जो कि चाहता है कि ऐसा ही वातावरण हो ऐसा ही माहौल पैदा किया जाए जहाँ के हमारे आज के युवा जो है हमारे आज के जवान जो है वो भी अपनी सभ्यता को अपने कल्चर को और जो जिंदगी में वैल्यूज होती हैं जिंदगी की उनको ना भूलें। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज रोड टू माई हार्ट और विनोद ने मेरा ख्याल है कि उसने मुझे देखा होगा बड़े करीब से बस इसलिए उसने सोचा कि नहीं तब सब कुछ लेना है। इट्स अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म। नॉर्मली वी आई बीन एसोसिएटेड मोर विद अ हेवियर sort of a mood film, but after a long time I'm doing a film which is very light in nature and funny and comedy, sensitive scenes, emotional, so it's a big change for me. क्या आपको मालूम है कि मुन्ना भाई का रोल पहले कौन स्टार करने वाला था और वो स्टार ये रोल क्यों नहीं कर सका और संजय दत्त के हिस्से में ये रोल किस तरह आया जिन्होंने इसे बेमिसाल बना दिया और संजू बाबा मुन्ना भाई के नाम से जाने पहचाने और पुकारे जाने लगे। पूछे जाने पे फिल्म के प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा ने आइए देखते हैं क्या कहा। हमने शाहरुख से पहले बात की थी, फिर शाहरुख की तबीयत खराब हुई, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर उनसे हमने कहा कि आप यज्ञ में आ जाएं और उन्होंने माना, विच इज ऑल्सो हिज नाइसनेस। संजय दत्त वॉज डूइंग अनदर रोल इन दिस फिल्म एंड बाय देन जब फिल्म खत्म हुई तो हमको लगा कि संजय दत्त से बेटर कोई मुन्ना भाई का रोल नहीं कर सकता, तो हमने संजय दत्त को रिक्वेस्ट किया कि आप जहीर जो अब जिमी शेरगिल कर रहे हैं ये रोल आप ये करें, और वो उन्होंने भी माना जो उनकी मेहरबानी। तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक एक्टर को लिया फिर उसको चेंज किया फिर दूसरे को लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इस फिल्म में कई खास बातें थीं। सुनील दत्त ने 17 सालों बाद किसी फिल्म में काम किया था। सुनील जी की ये आखिरी फिल्म साबित हुई। हालांकि सुनील दत्त और संजय दत्त ने मुन्ना भाई से पहले रेशमा और शेरा, रॉकी और क्षत्रिय में साथ साथ काम किया था, मगर दोनों किसी सीन में साथ नजर नहीं आए थे। मुन्ना भाई में बाप बेटे के सीन यादगार साबित हुए। Actually, he's my father and I respect him a lot, so मुझे लगता है वही स्क्रीन पर नजर आया है। डांटते भी काफी थे मुझे पहले पिक्चर में भी। चिंकी, हाँ, उसी ने मैं यहाँ बुलाया है। लेकिन बाबूजी, तू जाता है या उठाऊं छड़ी? आइए देखते हैं इस पर सुनील दत्त ने क्या कहा। ये बड़ा अच्छा है कि मैं संजू के साथ काम कर रहा हूँ और वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, और ये आप लोगों के ऊपर है कि आप उसको जज करेंगे कि फिल्मों में कोऑर्डिनेशन कैसी थी, परफॉर्मेंस कैसी थी। मुन्ना भाई MBBS अरशद वारसी के लिए कमबैक साबित हुई। उनका सर्किट का किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि लोग उन्हें इसी नाम से जानने लगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी इतनी उम्दा थी कि लोग उनके दीवाने हो गए। ऑन द लोकेशन अरशद वारसी ने अपने रोल, गेटअप और कैरेक्टर के बारे में हमसे बात की। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट, ऑल दिस गोल्ड इज माय फेक राडो वॉच, सो इट्स ऑल फॉर द मूवी। माय हेयर कट, माय बियर्ड, अपेरेंटली नॉट द शर्ट बिकॉज आई डोंट वेयर दिस, आई वेयर अ ब्लैक कुर्ता एंड अ पेयर ऑफ जींस थ्रू आउट द फिल्म। आई लुक प्रीटी स्कैरी and pretty dark makeup and all that kind of thing. So today is a different scene, so I'm dressed up like that. Munna bhai MBBS ki press conference bhi bilkul anokhe andaaz mein hui, jisme producer, director aur adakaron ne apni baatein rakhi. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Imperial Institute of Medical Studies, and I am J. Dr. Mastana, the dean. Hey, dean. पीछे देखा मुन्ना भाई, अच्छा चिपको क्या खड़े रहते हैं।
Please let me. I'm going to settle this hash today. And security, please take care of this. I'll be back. I'm so sorry about this. You need to make me watch that. I'm going to say, sir, what is your name? Sir. Please, please. Sure. 100%. In a nutshell, if I have to talk about the story, I'll say it's about street smart bhai. Bhai as in a goon, as in a tapori, who because of certain circumstances wants to become a doctor. Those circumstances are very funny, those circumstances are heart touching, and it's a man, it's a wrong man in a right place, or a right man in a wrong place. So the moment you put there, you have options for fun, you have options for comic things, but it's not a comic film. It's not slapstick. It isn't. It's a very real film. It actually grew from some anecdotes from medical colleges. I used to have a lot of friends in medical schools. Used to visit them, and I found that place to be a sad place and a happy place. And then the strange things happened in those places. I jot down those anecdotes for years. And I look 10 saal ke baad maine dekha, maine kaha isme koi story ban sakti hai. Wo story banai and मैं विनोद के पास गया ये कहने के लिए यार यू नो विनोद लुक एट द स्टोरी एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट लेट मी नो एंड आई हैड नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू विनोद सेइंग कि यू प्रोड्यूस दिस फिल्म फॉर मी और आई जस्ट वांटेड एन ओपिनियन विनोद लव द स्क्रिप्ट इमेंसली एंड ही सेड लेट्स मेक दिस फिल्म आई थिंक दिस इज अ फिल्म व्हिच डिजर्व्स टू बी मेड ना भाई जो हैं वो MBBS बनना चाहते हैं तो वो हम सब में जो हम जैसे मैं कश्मीर में पढ़ता था DAV स्कूल में तो मैं एक फिल्म मेकर बनना चाहता था मैं चाहता था कि एक दिन आप लोग मेरा इंटरव्यू लें और मैं फिल्म बनाऊं तो मेरा भी वो एक ख्वाब था जो पूरा हुआ तो मुन्ना भाई भी ऐसा मेरे जैसे आदमी है जिसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और वो उसके लिए जी जान लगा देता है बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लगी थी जब राजू ने नरेट किया मुझे एंड एक डिफरेंट किस्म का रोल था मेरे लिए और बहुत मज़ा आया पिक्चर वी आर ट्राइंग टू से इज़ दैट मेडिसिन आर इम्पॉर्टेंट But a relationship with a patient is even more important. You see, like he talked about the jadoo ki jhappi. And that's what he does with all the patients in the ward. And they start believing in him and they want to live and they want to get better, you know. ये एक ऐसी फिल्म है जो बहुत हंसाती है और कभी कभी रुलाती भी है. It's very meaningful film and with a beautiful storyline. तो मैंने चाहा कि मैं उससे बेटर हूँ और उसने जो किया उसने ये चाहा कि मैं वो मुझसे बेटर हो तो इट डिपेंड्स ना हो अभी जनता क्या बोलती है और मेरा रोल इतना बड़ा नहीं है जितना संजय का है मेरा तो छोटा सा रोल है और मैं विनोद की वजह से मैंने इस फिल्म में काम किया है ये तो आप जानते हैं कि मैं तो फिल्मी दुनिया से बहुत दूर हो गया था मुन्ना भाई MBBS ने एक ऐसी फिल्म के तौर पर शोहरत हासिल की जिसमें कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल सीन्स भी दिल को छू जाने वाले साबित हुए न सिर्फ ये कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट ऑस्कर लाइब्रेरी के लिए चुनी गई बल्कि हॉलीवुड ने इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया और इसी के साथ साथ मुन्ना भाई MBBS पे हिंदुस्तान की कई और रीजनल लैंग्वेजेस में भी काम शुरू हुआ संजय दत्त ने फिल्म में गजब की अदाकारी की उनकी जादू की झप्पी हो या मामू कहने का अंदाज हमें इस बेड की कोई जरूरत नहीं है अरे ये तेरे सोने के लिए नहीं है रे मामू तू हमेशा माँ को झप्पी देता रहा आज बाप की हसरत भी पूरी कर दे उन्होंने टपोरी भाषा एकदम झक्कास बोली बोले तो मुन्ना भाई सब पर छा गए तू सच बोलता है अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम साला प्यार किस चिड़िया का नाम है लुक्खागिरी करके अपना टाइम पास होता है बीड़ी पान चाय मिलता है बस अपुन खुश ये प्यार का लफड़ा लोचा काई को अरे काई को रे
जिमी शेरगिल ने जहीर के किरदार में जैसे जान डाल दी। आइए देखते हैं जिमी क्या कहते हैं अपने रोल के बारे में। मेरा कैरेक्टर एक बेसिकली एक कैमियो कर रहा हूँ मैं इस फिल्म में, एक स्पेशल अपीयरेंस, बट काफ़ी इम्पैक्ट वाला है क्योंकि जिस वक्त ये फिल्म में आता है प्लेसमेंट जो है इस कैरेक्टर की बहुत अच्छी है। ग्रेसी सिंह ने सुमन का किरदार बखूबी अदा किया। संजय दत्त के साथ उनकी जोड़ी भी लोगों को भा गई। ग्रेसी सिंह ने हमें अपने किरदार के बारे में बताया। इस फिल्म में मेरा किरदार है एक मेडिकल स्टूडेंट का, जिसका मेडिकल बैकग्राउंड है। उसके फादर एक बहुत ही नोन डॉक्टर हैं जिनका एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और मुन्ना भाई के पेरेंट्स का ये ड्रीम था कि वो भी डॉक्टर बने क्योंकि हम बचपन के दोस्त थे, और वो ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है और डॉक्टर बनना चाहता है। इस फिल्म के जरिए बोमन ईरानी के रूप में बॉलीवुड को एक ऐसा एक्टर मिला जो हर प्रकार के किरदार में जान डाल सकता था। डॉक्टर अस्थाना के रोल को बोमन ईरानी ने इस खूबसूरती से अदा किया कि ऑडियंस हैरत में ही पड़ गई। इस ऑफिस में आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। बहुत कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है रे। तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल सकता हूँ। मुन्ना भाई MBBS के प्रीमियर में बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, इससे ये प्रीमियर भी यादगार बन गया। मुन्ना भाई MBBS मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया फिल्म है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत दाद देनी चाहिए इस फिल्म के डायरेक्टर को, ख़ास तौर पे इस फिल्म के लेखकों को, इस फिल्म के कलाकारों को और इस फिल्म के प्रोड्यूसर को। मुझे लगता है कि विनोद चोपड़ा की बनाई हुई सारी फिल्मों में ये सबसे अच्छी फिल्म है। इट्स ए हैप्पी फिल्म दैट मेक्स यू क्राई। और अब तो अभी अभी खबर आई है कि पहला पब्लिक शो हो गया है और लोगों ने फिल्म के इंटरवल में उठ के तालियां बजाई हैं और फिल्म के एंड में स्टैंडिंग ओवेशन दिए दत्त साहब वगैरह को, ये अभी खबर आई है। छन 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 मन गाए क्यों